नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जी की जस्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, जो हाल फिलहाल में हुई है इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, तो इन सभी अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट होने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। आप वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप लोग पूरी अपॉइंटमेंट देख सकें। आने वाले अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं ये सारी अपॉइंटमेंट। तो चलिए वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? राजीव गौबा, अरिंदम बगाची, अरविंद पनघड़िया और तरुण कपूर। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गौबा। ये आप इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, ये राजीव गौबा हैं जो अभी हाल फिलहाल में नए कैबिनेट सचिव बने हैं भारत के। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं आप अरविंद पनघड़िया की बात करेंगे तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हैं ये, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्विटर के नए CEO कौन है? पराग अग्रवाल, लिंडा याकरोनो, नीर मोहन, अजय बग्गा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडा याकरोनो। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये हैं लिंडा याकरोनो जो ट्विटर के नए CEO बने हैं। और आप पहले तो ट्विटर में जो लोगो था वहाँ पर एक चिड़िया बनी रहती थी, तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी हाल फिलहाल में जो ट्विटर का लोगो चेंज किया गया है उसका नाम क्या है और क्या रखा गया है, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। वहीं नील मोहन की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे यूट्यूब के और अजय बग्गा की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिंडा याकरोनो। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? नवाब सलाम, मनोज सोनी, राजीव कुमार, अजीत डोभाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाब सलाम। आप तो जानते होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है, द हेग शहर में स्थित है। और इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो इसका कार्यकाल 9 साल के लिए होता है, 9 साल के लिए कार्यकाल होता है। तो जो अध्यक्ष चुने गए हैं वे नवाब सलाम चुने गए हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वहीं मनोज सोनी की बात करेंगे तो यूपीएससी के अध्यक्ष हो जाएंगे मनोज सोनी, ये हो जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष। और राजीव कुमार हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन, और अजीत डोभाल हो जाएंगे जो सलाहकार हैं, वो सलाहकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आपको याद रखना है कि द हेग में ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के जो 14 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं तो कौन बने हैं? आसिफ अली जरदारी, देवेंद्र झाझरिया, जवेर मलई, अश्रिता सतारा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आसिफ अली जरदारी बने हैं। आप यहाँ पर इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो जवेर मलई हैं ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने हैं हाल फिलहाल में, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ये भी आपको याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के नए लोकपाल के लिए किसे नियुक्त किया है? लोकपाल का पद वैसे स्वीडन से लिया गया है। ये जो घोटाला होता है या फिर ब्लैक मनी होती है उनकी जाँच करते हैं, ये लोकपाल का पद होता है। तो इनकी नियुक्ति की गई है द्रौपदी मुर्मू ने। तो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, अजय मानिकराव खाल विलकर, मरियन कुरेसी या डिल्मा रिसेस। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजय मानिकराव खान विलकर। और पहले जो इससे पहले थे तो वहाँ पर पिनाकी चंद्र घोष थे, और ये हाल फिलहाल में बने हैं अजय मानिकराव खान विलकर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बग्गा, पीटी उषा, नील मोहन या
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजय बग्घा बने हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उनकी तस्वीर, और ये मैंने तस्वीर सब में लगाई है ताकि तस्वीर देखकर हमें ये समझ में आ जाता है, या फिर हम किसी की इमेज देख लेते हैं तो हमें ईजिली याद हो जाता है। तो यहाँ से आप इमेज के ज़रिए भी याद कर सकते हैं। और नीर मोहन की बात करेंगे तो ये यूट्यूब के CEO हो जाएंगे, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी, आर हरि कुमार, अनिल चौहान, मनोज पांडे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विवेक राम चौधरी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो अनिल चौहान है ये CDS बने हैं सेकंड नंबर के, और पहले CDS थे बिपिन रावत सर, और यहाँ पर सेकंड बने हैं CDS अनिल चौहान। वहीं मनोज पांडे की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे थल सेना प्रमुख, हो जाएंगे मनोज पांडे, ये हो जाएंगे थल सेना प्रमुख, और ये हो जाएंगे हमारे वायुसेना प्रमुख, और ये हो जाएंगे नौसेना प्रमुख। नौसेना प्रमुख यहाँ से हमने तीन तीन प्रमुख देख लिए, विवेक राम चौधरी वायुसेना के। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि नौसेना में कौन है, थल सेना में कौन है और वायु में कौन है। यहाँ से आप देखेंगे वायुसेना में वा आता है, तो यहाँ पर वा आता है यानी कि इनके नाम में भी आता है, तो वायुसेना के अध्यक्ष हो जाएंगे विवेक, जिसमें भी आगे भी वा आता है, यहाँ से विवेक हो जाएंगे। और अनिल चौहान तो आपको याद है, मनोज पांडे हो जाएंगे थल सेना के अध्यक्ष, और नौसेना के हो जाएंगे आर हरि कुमार। आप नौसेना से आर भी याद रख सकते हैं, जिससे कि इजली याद हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ अगला है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? फिर आगे यहाँ पर नौसेना के अध्यक्ष तो आर हरि कुमार, विवेक राम चौधरी, मनोज पांडे, नितिन अग्रवाल। तो आप देखेंगे वा से याद आ रहा है वायुसेना, यहाँ पर कौन हो जाएगा? वायुसेना हो जाएगी। आर से याद आ रहा है नौसेना, नौसेना यहाँ पर हो जाएगी, मनोज पांडे ये हो जाएगी थल सेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। इसके आगे देखते हैं, आप इनकी इमेज देखकर इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे, अनीश दयाल सिंह, दिनेश कुमार जैसा। थल सेना की पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज पांडे। और वहीं जैसा की बात करेंगे तो ये आप जानते होंगे कि BCCI के सचिव हैं, BCCI के सचिव हैं जैसा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान भारत में मुख्य चुनाव आयोग के जो 25वें आयुक्त हैं वह कौन बने हैं? राजीव कुमार, सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार या जय वर्मा सिन्हा। बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन है, तो आजकल इसकी बहुत ही चर्चा हो रही है इलेक्शन कमीशन की। तो आप अपकमिंग एग्जाम में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ से इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव कुमार। वहीं ये बात करेंगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो वह राजीव कुमार है, और दो चुनाव आयुक्त और होते हैं तो इनकी नियुक्ति हाल में हुई है, सुखबीर सिंधु पहले और सेकेंड नंबर में हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार। तो ये मुख्य चुनाव की बात करेंगे, जो मुख्य चुनाव हैं, मुख्य चुनाव के आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, और जो चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव को हटाकर जो चुनाव आयुक्त बने हैं वह सुखबीर सिंधु और ज्ञानेश कुमार, ये तीन होते हैं। एक राजीव कुमार हो जाएंगे और दो ये हो जाएंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त में तीन लोग शामिल होते हैं। यहाँ से हमने देख लिया मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंधु, ज्ञानेश कुमार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, नीति आयोग के नए CEO कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम, नरेंद्र मोदी, एस सोमनाथ या दिनेश कुमार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुब्रमण्यम है। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करेंगे तो जो नीति आयोग के हैं जो अध्यक्ष हैं वह नरेंद्र मोदी हैं, अध्यक्ष हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और एस सोमनाथ हो जाएंगे इसरो।
स्पेस एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रोजर बिन्ने, ग्रेग बार्कले, शक्तिकांत दास, मनोज सोनी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज सोनी बने हैं। सोनी बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष। और वहीं रोजर बिन्नी की बात करेंगे तो ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष। ग्रेग बार्ले की बात करेंगे तो आईसीसी है। अब बीसीसीआई के है जो भारत के अंदर जितने टूर्नामेंट होते हैं, जैसे आईपीएल हो जाएगा, तो ये जो होस्ट करवाती है जो बॉडी है बीसीसीआई है, और जो इंटरनेशनल आईसीसी बाहरी टूर्नामेंट करवाती है, और जो बीसीसीआई जो भारत के अंदर होने वाले टूर्नामेंट को करवाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और शक्तिकांत दास तो हो जाएंगे आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? शरद अरविंद, नतालापाथी, यूयू ललित, डी वाई चंद्रचूड़। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी वाई चंद्रचूड़। ये 50वें नंबर के हैं और ये 49 नंबर के हैं। ये एग्जाम में पूछता है और पिछले जो एग्जाम हो चुके उनमें पूछा है। तो ये 48 नंबर के हो जाएंगे और शरद अरविंद हो जाएंगे 47 नंबर के। तो ये चार हमें मेंबर याद रखनी है जो चीफ जस्टिस बन चुके हैं। शरद अरविंद 47 नंबर के हैं, नतालापथी 48 नंबर के, यूयू ललित 49 नंबर के, और जो हाल में हैं वर्तमान में डी वाई चंद्रचूड़ जो 15 नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं। इसके आगे अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस, नकोजी अकोजी इविला, टेड्रोस एडानोम, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले तो हम पढ़कर आए हैं आईसीसी के अध्यक्ष, और एंटोनियो गुटरेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और नकोजी अकोजी हो जाएंगे डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष, डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटोनियो गुटरेस। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जया वर्मा सिंह, अनिल लोहाटी, नितिन गडकरी, एस सोमनाथ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिंह बनी हैं रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष। और वहीं बात करेंगे नितिन गडकरी की, तो सड़क परिवहन मंत्री हैं ये, सड़क परिवहन मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी। और वहीं रेलवे मंत्री की बात करेंगे तो अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे रेलवे मंत्री। और एस सोमनाथ की बात करेंगे तो एस सोमनाथ हो जाएंगे स्पेस एजेंसी के अध्यक्ष, इसरो हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जया वर्मा सिंह। आप यहां पर इनकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। इसके आगे आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी, एस सोमनाथ, रोजर बिन्ने, नितिन अग्रवाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। मनोज सोनी की बात करेंगे तो हो जाएंगे मनोज सोनी हो जाएंगे यूपीएससी के अध्यक्ष, रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आप देख पा रहे होंगे इनकी तस्वीर, एस सोमनाथ की। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, रोजर बिन्नी, शेफाली शरण, टेड्रोस एडानोमा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के अध्यक्ष, बेसिक बीसीसीआई, ये है बीसीसीआई। और ये हो जाएगा आईसीसी, जो इंडिया में क्रिकेट होते हैं, इंडिया में जो क्रिकेट होते हैं आईपीएल हो गया जैसे, तो होस्ट करवाती है बीसीसीआई। और वहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट होते हैं तो आईसीसी होस्ट करवाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, रोजर बिन्नी। और वहीं ग्रेग बार्कले हो जाएंगे आईसीसी के अध्यक्ष हो जाएंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले, जयशंकर, अनिल चौहान, मनोज सोनी। तो ग्रेग बार्कले हो जाएंगे इसके। और जयशंकर की बात करेंगे तो विदेश मंत्री हैं ये एस जयशंकर सिंह, और अनिल चौहान हो जाएंगे सेकंड नंबर के सीडीएस, और ये यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान, विपिन रावत, मनोज सोनी, लिंडा या किरणो? तो हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन ए, अनिल चौहान व विपिन रावत पहले सीडीएस थे हमारे। और लिंडा या किरणो की बात करेंगे तो ट्विटर हैं, ट्विटर की सीईओ बनी हैं लिंडा या किरणो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? नील मोहन, साजी केवी, दिनेश कुमार, राजीव गोबा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साजी केवी हैं जो नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के नई प्रमुख कौन बनी हैं? नकोजी अकोजी इवला, ट्रेड्रोस अडानोमा, शक्तिकांत दास, राजीव कुमार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकोजी अकोजी इवला हैं जो WTO के अध्यक्ष हैं, ये हैं जो अपने की तस्वीर देख पा रहे हैं, और राजीव कुमार हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। और नहीं, शक्तिकांत दास की बात करेंगे तो RBI के गवर्नर, शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हो जाएंगे। तो यहाँ से नकोजी अकोजी WTO की मेंबर हो जाएंगी जो नई प्रमुख बनी है, और शक्तिकांत दास RBI के अध्यक्ष, राजीव कुमार हो जाएंगे इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नकोजी अकोजी इविला। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनिल चौहान, अनीश दयाल सिंह, नितिन अग्रवाल, मनोज पांडे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनीश दयाल हैं जो CRPF के बने हैं, अनिल चौहान CDS हैं और मनोज पांडे हो जाएंगे थलसेना प्रमुख। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जेवियर मलई, डेनिस फ्रांसिस, शेफाली शरण, ज्ञानेश कुमार? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेवियर मलई हैं जो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये है उनकी तस्वीर। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, जो सुरक्षा के मामले में भारत को सलाह देते हैं, तो वे कौन है? अजीत डोभाल, एस जयशंकर सिंह, राजीव गोबा, टी राजकुमार? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजीत डोभाल हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, एस जयशंकर विदेश मंत्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? इकबाल सिंह, रेखा शर्मा, हंस राज अहिर, PT उषा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकबाल सिंह है जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। हंस राज की बात कर लेते हो तो ये OBC आयोग की अध्यक्ष हो जाएंगी, और ये महिला आयोग की अध्यक्ष हो जाएंगी रेखा शर्मा। अब आप याद कैसे करेंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, कि जैसे अल्पसंख्यक हो जाएगा महिला आयोग, OBC, तो तीनों में कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि महिला है जो महिला आयोग के अध्यक्ष, तो एक महिला ही है यानी रेखा शर्मा है, और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे इकबाल सिंह, और OBC की बात करेंगे तो अहिर किस में आता है? OBC के अंदर आता है, तो अहिर से हो जाएंगे हंस राज अहिर जो OBC के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इकबाल सिंह, और महिला आयोग के रेखा शर्मा, हंस राज अहिर OBC के अध्यक्ष। तो यहाँ पर आप इनकी फ़ोटो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से हमारे थे 25 क्वेश्चन जो कि समाप्त हो चुके हैं। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लेकर आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि और भी क्वेश्चन होंगे। ये हमने अभी Part 1 लेकर आए हैं, जिसमें कि कुछ नियुक्तियाँ हमने कराई। इसके अगले पार्ट में हम और टोटल नियुक्तियाँ देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।